हेलो दोस्तों, आई एम संजय ठाकुर। वेलकम बैक टू आवर वेरी ऑन यूट्यूब चैनल जख्मी फसलों का हॉस्पिटल। ये अगले 6 मिनट आपके साथ साथ आपके बच्चे के भविष्य को एग्रीकल्चर फील्ड में दिशा देने वाले हैं। देखिए, हर माता पिता का एक सपना होता है अपने बच्चे के भविष्य को लेके, और उन सपनों को पूरा करने के लिए चिंताएँ भी होती है। यदि आप भी अपने बच्चे का भविष्य एग्रीकल्चर फील्ड में देख रहे हैं, चाहे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये वीडियो आपके बहुत काम का है। पहले वीडियो को आपने इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, कहीं ऐसी अपॉर्चुनिटी आपसे कहीं मिस ना हो जाए। बहरहाल, मैं आता हूँ काम की बात के ऊपर। रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारतीय कीटनाशक बाज़ार 214 बिलियन था, और यह बाज़ार 2024 तक 316 बिलियन बनने की संभावना है। हालांकि भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना में 27 कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जिसके कारण भारत उद्योग को लगभग 25% का नुकसान हो सकता है। लेकिन इन कीटनाशकों को भी मार्केट में ऑप्शन है। ओवरऑल हम बात करें तो एग्रीकल्चर फील्ड पूरा ग्रोथ में है, पूरा जय करूँ में। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, COVID-19, जहाँ हमारी पहली तिमाही GDP 23.9 लगभग 24% से डाउन थी, लेकिन आपकी और आपकी मेहनत की वजह से ओनली एग्रीकल्चर सेक्टर प्लस 3.4% से ग्रोथ में था। क्यों हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर इतनी ग्रोथ में है, इसके क्या कारण है, तो समझते हैं इसके पीछे की कहानी को। हमारा भारत देश दुनिया में सबसे गतिशील जेनरिक कीटनाशक उत्पादकों में से एक है, जहाँ हम 45 से अधिक तकनीकी ग्रेड कीटनाशकों का निर्माण किया जा रहा है, और इस निर्माण कार्य में हमारे देश की MNC कंपनी सहित 32 कंपनियां ऐसी है जो इस कार्य में लगी हुई है। क्या आपको पता है, भारत अमेरिका, जापान और चीन के बाद कृषि केमिकल में चौथा सबसे बड़ा देश है, और हम एशिया में लीडर हैं। ठीक, तो आइए समझते हैं कि डेटा क्या बोल रहे हैं हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में, क्योंकि डेटा जान होती है किसी भी इंडस्ट्री को समझने के लिए, और डेटा को समझना आपका अधिकार भी है। क्योंकि आप, मैं मानता हूँ कि आप लाखों रुपए की दवाई खरीदते हैं, चाहे व्यापारी बंधु कंपनी से, चाहे हमारे किसान बंधु व्यापारी से, तो आपका भी अधिकार बनता है नंबर को जानना। देखिए, अगर अपन भारत में कीटनाशकों के वर्गों की बात करें कि कौन से क्लास में कितना परसेंट हम केमिकल यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि 60% हम करीब कीटों को मारने के लिए दवाई का उपयोग करते हैं, और पास में देखें आप सेकंड नंबर पे आप फफूंदी नाशक का 18% आ रहा है यहाँ पर, और खरपतवार को मारने के लिए हम लगभग 16% के आसपास यूज़ करते हैं, और बायोपेस्टिसाइड देखें 3%। ये आने वाले समय में हो सकता है 3% ग्रोथ आगे बढ़ेगी इसको परसेंटेज को लेके। अगर हम पूरे भारत की बात करें, कंजप्शन की बात करें पर हेक्टेयर, और तुलना करें भारत की अदर कंट्रीज़ में, तो यहाँ देखेंगे आप दुनिया के तमाम देशों के मुकाबले भारत में कीटनाशकों का उपयोग सबसे कम होता है। अगर आपको चार्ट में दिखाई दे रहा है, अगर आप देखें तो जापान, ताइवान, कोरिया, इटली, अमेरिका में भारत की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर खपत कई गुना कम है। देखिए, हमारा इंडिया का जो लगभग 0.38 ग्राम, ये देखिए ये कैसे लिया गया, ये AI का मतलब होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, मतलब सक्रिय तत्व। इसको ऐसा समझिए कि इमिजाथाइपर 10% ऐसे लाता है, उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है 10%, दवाई 1 लीटर है लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट ओनली 10% है, तो ये परसेंटेज एक्टिव इंग्रेडिएंट का है। मतलब देखें तो भारत में हम 380 ग्राम प्रति हेक्टर यूज़ करते हैं केमिकल, जहाँ ताइवान देखे तो 17 kg है, जापान 11 kg है, कोरिया 6.5 के आसपास है, इटली 4 के ऊपर है, यूरोप 2.5 kg प्रति हेक्टेयर है, और अमेरिका 2.25 के आसपास है। थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग आपको मैं डाटा दिखाता हूँ, पेस्टिसाइड यूज़ जो हम करते हैं, लगभग हम 60,000 मेट्रिक टन यूज़ करते हैं, और हम रैंक की बात करें कि हम ग्लोबली कौन सी रैंक में हैं, तो हम 13 नंबर पे आते हैं इस रैंक में पेस्टिसाइड यूज़ में।
और प्रति हेक्टर की बात करें, जैसे मैंने पहले आपको स्लाइड दिखाया इसके पहले कि हम 0.38 केजी मतलब 380 ग्राम के आसपास कंजप करते हैं और इस रैंक में आते हैं हम 113 नंबर पे। तो यहाँ ये दर्शा रहा है कि ग्लोबली हम यूज़ अदर कंट्रीज़ की अपेक्षा केमिकल को कम यूज़ करते हैं। अगर हम क्रॉप वाइज बात करें कि कौन सी क्रॉप में कितना परसेंट हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं इंडिया में, तो यहाँ देखें आप कपास में हम अप्रोक्स 37% के आसपास पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, फिर धान की फसल के ऊपर हम करीब 20% पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, गेहूँ देखें आप, सब्जियाँ वेजिटेबल्स में करीब करीब हम 13-14% यूज़ करते हैं, चाय दाल अंगूर। शायद इस टेबल से आपको और चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। आई होप मैं आपको मैसेज क्लियर कर पाया हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपके शेयर करने से किसी अपने एक का फ़ायदा हो जाए, जिसके कारण आपकी मेहनत और मेरी मेहनत सफल हो जाए। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपनों की हेल्प कीजिए, किसानों की हेल्प कीजिए और देश को विकास को गति दीजिए। जय हिंद।